लाखों वर्ष पहले पाप और पुण्य के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें पुण्य के पक्ष में थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और पाप का प्रतीक था आततायी राक्षस रावण। बात त्रेता युग की है। लंकेश रावण के अत्याचारों से मानवता त्राह त्राह करने लगी थी। तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ सागर पार जाकर रावण से संग्राम छेड़ दिया। भगवान राम के अमोघ बाणों से रावण के प्रधान सेनापति जब मारे जाने लगे तो रावण सेना में सब ओर हताशा व्याप्त हो गई। इस विनाश से चिंतित होकर रावण ने विशालकाय कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में भेजा। क्रूरकर्मा कुंभकर्ण वानरों को गाजर मूली के समान खाने लगा। इस विकराल स्थिति को देखकर वीर लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कुंभकर्ण का अंत करने की प्रार्थना की। धनुर्धारी श्री राम ने एक बाण से उसकी दक्षिण भुजा काट डाली और दूसरे बाण से उसका सिर छेद दिया। कुंभकर्ण की पर्वताकार देह भूमि पर गिरते ही वानर सेना में उल्लास की लहर दौड़ पड़ी और सब ओर जय घोष होने लगा। अपने भाई कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात रावण के सम्मुख अंतिम आशा बची। देवराज इंद्र को भी जीतने वाला उसका पुत्र मेघनाद। घोर कर्मा मेघनाद विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से वानरों का संहार करने लगा। उसके इस विकराल पराक्रम से वानर सेना व्यथित हो उठी। वो निशाचर इस पर ही नहीं रुका और अदृश्य होकर मायावी युद्ध करने लगा। अदृश्य शत्रु के साथ हम कैसे युद्ध करें? हम अधर्म नहीं कर सकते। आज हमारा दिन नहीं है। प्रभु श्री राम ने सर्वशक्तिमान होते हुए भी इस निशाचर लीला का उत्तर नहीं दिया और तब युद्ध विशारद मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से तक्षण ही समस्त 64 करोड़ वानर सेना युद्ध भूमि में मरणासन्न होकर गिर पड़ी। शेषावतार श्री लक्ष्मण सहित परात्पर ब्रह्म के अवतार प्रभु रघुनंदन श्री राम भी। राज जामवत, आप जीवित तो हैं? विभीषण, हनुमान जीवित है ना? क्या कहा? श्री राम? हनुमान जीवित है क्या? आपका प्रश्न उचित नहीं है ऋक्षराज। पूछिए, श्री राम जीवित है क्या? मेरा प्रश्न उचित ही है। यदि हनुमान जीवित तो श्री राम पर कोई संकट नहीं आ सकता। संकट से उबरने के लिए जिस असीम पराक्रम की आवश्यकता है वो केवल हनुमान के पास ही है। हनुमान के बिना हम लोग जीते हुए भी मृतक के समान। और यदि संकट मोचन महाबली हनुमान जीवित हैं, तो ये मरी हुई सेना फिर से उठ के लड़ेगी।
हर युद्ध जीत के रहेगी। सखी जामवंती, आपने यदुनाथ के दर्शन किए क्या? नहीं तो रानी सत्यभामा, कल रात भर से तो वे आपके कक्ष में थे और प्रातः काल से उपासना कक्ष में हैं। अच्छा,
चलिए देखते हैं। पूजा आज देर तक चलने वाली है। प्रश्न ही नहीं उठता, पुरुषोत्तम तो मेरे कक्ष में लौट आने के लिए स्वयं अधीर हो रहे होंगे। अधीर? मुझे तो ऐसा नहीं दिखता। उपासना के समय प्रियतम के अधरों पर ये मुस्कान कैसी? कहीं ये मेरे कथन पर तो नहीं? नहीं नहीं, निश्चित ही भगवान जनार्दन जामवंती की बाल बुद्धि पर मुस्कुरा रहे होंगे। यह सत्या सदैव अपने सौंदर्य के अभिमान में चूर रहती है। फिर मुस्कुरा रहे हैं, कहीं मेरी वाचालता पर तो नहीं? भगवान राजेश्वर के रहस्यों को तो केवल रुक्मणी दीदी ही जान सकती है। शेखरां स्मितमुखी मापी न बक्षोरुहां पाणिभ्यामलि पूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशां कुशपुष्पवाणचापा अणिमादिभिरावृतां मयूखये अहमित्येव विभावये भवानि। ये दीदी, यहाँ पर आप ही की चर्चा हो रही थी। अच्छा, वो भला क्यों? आज द्वारकानाथ उपासना करते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लीजिए, अब आप भी, आप लोग इन्हें जानते तो हैं। मुस्काना तो हमारे प्रभु का स्वभाव है। और सत्यवामा से अच्छा भगवान नारायण के रहस्य कौन जान सकता है? क्यों सत्य प्रिय? बात टालिए मत दीदी, बताइए ना। अरे, मैंने देखा होता तो मैं कदाचित बता भी सकती थी। और वैसे भी भगवान अनंत के मन में कब क्या चलता है अन्य कौन जान सकता है? वो तो रहस्यों के सागर है।
लो, लगता है उनकी उपासना संपूर्ण हो गई। उन्हीं से पूछते हैं। अरे आप सब यहां, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया देवियों? प्राणवल्लभ, हम सब यहां आपके मुस्कान के रहस्य को जानने की जिज्ञासा से पीड़ित है नाथ। हमारी पीड़ा का समाधान कीजिए माधव। आज चैत्र पूर्णिमा है, हनुमान जयंती। आज ही के शुभ पर्व पर पवन पुत्र वीर हनुमान का जन्म हुआ था। मैं उन्हीं के स्मरण में आनंद मग्न था। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। हनुमान, अपार बलशाली हनुमान, ज्ञानियों में अग्रणी हनुमान, परम योगी हनुमान, पवन वेग से उड़ने वाले हनुमान, एक छलांग में 100 योजन सागर पार कर जाने वाले हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान, मेरे प्रिय हनुमान। उनकी हर लीला एक से बढ़कर एक रोमांचकारी और आनंददायक है। अंजनी नंदन हनुमान की कीर्ति सदैव बढ़ती रहे। अस्तु, उनके जैसी अनन्य भक्ति दुर्लभ है। सत्य कहा देवी। मेरे हर भक्त में कभी ना कभी अहंकार आ ही जाता है, किंतु हनुमान में नहीं। वे अहंकार शून्य है। आह हनुमान, कितना समय बीत गया भक्त हनुमान के दर्शन किए हुए। स्वामी, क्या हम लोग उनके पुनः दर्शन नहीं कर सकते? आपने मेरे मन की बात भांप ली प्रिय। मेरा भी मन प्रिय हनुमान को देखने के लिए आतुर हो रहा है, और आज तो अच्छा अवसर भी है। किसी योग्य व्यक्ति को ही ये शुभ कार्य सौंपना होगा। पक्षीराज गरुड़, ये पक्षीराज, भगवान का ये भवन मेरे द्वारा रक्षित है, और जब तक इस द्वार पर मैं स्थित हूं,
किसी भी अवांछित व्यक्ति का प्रवेश असंभव है, चाहे वे स्वयं शचीपति इंद्र या पितामह ब्रह्मा ही क्यों ना हो। और आप तो जानते ही हैं, इस समस्त ब्रह्मांड में मैं सर्वश्रेष्ठ अस्त्र हूं। आप मेरा उल्लंघन करके भीतर नहीं जा सकेंगे। यदि ऐसी बात है तो आप भी सुन लीजिए अस्त्र सुदर्शन, पूरे ब्रह्मांड में मेरे भी वेग और गति की कोई तुलना नहीं है। मैं समस्त चराचर के स्वामी का भार वहन करता हूं। यदि मैंने अपना भार आप पर डाल दिया तो आप हिल भी नहीं सकेंगे। यदि ऐसा ही है तो आप अपने बल की परीक्षा कर सकते हैं, पर ध्यान रहे, मेरी मारक शक्ति के सम्मुख इंद्र का वज्र भी व्यर्थ हो गया था। पक्षीराज को प्रवेश की अनुमति है मित्र सुदर्शन। स्वागत है पक्षीराज गरुड़। सब कुशल तो है पक्षीराज? आपके इस सेवक के लिए अकुशल असंभव है प्रभु। क्या आज्ञा है भगवान? आज प्रिय हनुमान से मिलने की तीव्र आकांक्षा हो रही है, क्या आप जाकर शीघ्र ही उन्हें यहां ले आएंगे? जी प्रभु। आप किस हनुमान की चर्चा कर रहे हैं स्वामी? आप हनुमान को भूल गए विनीतानंदन? मैं उसी हनुमान की बात कर रहा हूं, बाल्यकाल में ही जिसने तपते हुए सूरज को लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया था, जिसके भय से कांपते हुए भयंकर राक्षस राहु देवाधिपति इंद्र के पास भागता चला गया था, वही हनुमान जिसने देवराज इंद्र के वाहन गजराज ऐरावत को एक मन भावन खिलौना समझकर यत्र तत्र उछालना आरंभ कर दिया था, वही हनुमान जिसने रावण की सोने की लंका को एक घड़ी में ही जलाकर राख कर दिया था। मैं संकट मोचन महाबली हनुमान की बात कर रहा हूं। स्मरण आया पक्षीराज? जी प्रभु। किंतु त्रेता युग से अब तक कई लाख वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, क्या वो हनुमान अभी तक जीवित होंगे? हमारे हनुमान चिरंजीवी हैं, कल्पांत तक वो अपने इसी केसरी नंदन स्वरूप में रहेंगे। यदि ऐसा है तो इस धरा पर वो कहीं पर भी हों, मैं अपनी पैनी दृष्टि से उनका अन्वेषण करके शीघ्रातिशीघ्र आपके समक्ष उपस्थित करता हूं। आपकी पैनी दृष्टि पर मुझे कभी भी संदेह नहीं था वैंते। परंतु आपको इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे हिमपुरुष वर्ष में जाएं। वहां पर हेमकुट पर्वत के जिस भी शिखर पर आपको राम नाम का निरंतर जाप उठता सुनाई दे, भक्त शिरोमणि हनुमान आपको उसी पर्वत पर मेरे ध्यान में आसीन मिलेंगे। आप शीघ्र ही उन्हें मेरे समीप ले आइए। यदि यह कार्य आपने पवन देव को सौंपा होता तो कदाचित विलंब की संभावना थी, नहीं ये गया और ये आया हनुमान के साथ। आपका वेग तो अतुलनीय है पक्षीराज। आज्ञा दे प्रभु।
और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको अपने वेग का तिल मात्र भी अहंकार नहीं। रामावतार के समय एक बार देखा तो था इन्हें, वही वानर आकृति है, शरीर से कैसा तेज निकल रहा है। जय श्री राम। आश्चर्य है, इतना समय बीत जाने पर भी यह प्रतीत होता है जैसे अभी यौवन में प्रवेश किया हो। जय श्री राम। हे वानर श्रेष्ठ, मैं विनिता पुत्र गरुड़ हूं, लोक प्रकाशक, भगवान सूर्य के सारथी अरुण मेरे अग्रज हैं। विघ्न डालने वाले कौन हो तुम? मैं कश्यप पुत्र गरुड़। श्री राम क्षमा करें, पक्षीराज, हे वैंदे, आपको कोई क्षति तो नहीं पहुंची? मैं जगतपति का भार उठाता हूं, मुझे क्षति पहुंचा सके ऐसी कोई शक्ति संसार में नहीं है। निसंदेह आपकी शक्ति से कौन परिचित नहीं है, आप भगवान के प्रिय भक्तों में से हैं, आप पर उनकी विशेष कृपा रहती है। आज आपके पुनः दर्शन करके हृदय शीतल हो गया। आइए कुछ देर राम नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम श्री राम राम। ये संकीर्तन करने का समय नहीं है, राम श्री राम राम। भगवान श्री कृष्ण ने आपको तत्काल ले आने का आदेश दिया है। किसने आदेश दिया है? द्वारकाधीश यदुकुल भूषण हमारे स्वामी श्री कृष्ण ने। मुझे उनसे क्या काम? क्या काम? वे परात्पर ब्रह्म गोलोक के स्वामी श्री कृष्ण हैं। क्षमा करें, मैं तो अपने प्रभु श्री राम का दास हूं।
उनके अतिरिक्त मैं किसी और को नहीं जानता। हे वानर, चिरंजीवी आप अवश्य हो गए हैं, किंतु आप निरे वानर ही रहे। देखिए, स्वेच्छा से चलिए, अन्यथा 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 आपको बांध कर ले जाने के लिए मेरे पास पाश भी हैं। बोलिए, चलेंगे कि नहीं? होइए सोही जो राम रची राखा। बहुत हो गया, लगता है अब गरुड़ पाश का प्रयोग करना ही होगा। श्री राम। उन्होंने आने से मना कर दिया। नाथ, आप तो उनके गुण गाते नहीं थक रहे थे, किंतु आपके भक्त शिरोमणि तो बड़े ही अहंकारी सिद्ध हुए। भूल मेरी ही है। आप हनुमान से जाकर कहिए कि श्री राम उनका स्मरण कर रहे हैं। स्वामी, स्वामी वे बड़े ही उद्दंड हैं। निश्चिंत रहे पक्षीराज, राम का नाम सुनकर वे दौड़े चले आएंगे, और यदि ना भी आए तो इस बार आप उन्हें पल पूर्वक ले आइएगा। ऐसे भी आपके बल और गति के आगे कोई क्या ठहरेगा पक्षीराज। श्री राम, श्री राम, श्री राम। हे कपिवर, प्रभु श्री राम द्वारका में आपका स्मरण कर रहे हैं। धन्य है पक्षीराज, मेरे प्रभु श्री राम का संदेश लाने वाले। हे विंते, आप सदैव प्रभु के प्रिय बने रहें। Yeah.
कम पा रहा है। सभा टोल क्यों रही थी प्रभु, किंतु प्रभु और रुक्मणी दीदी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्राणवल्लभ, कहीं आपने असमय प्रलय लीला तो नहीं आरंभ कर दी? नहीं प्रियतमा, ना तो भूकंप आ रहा है और ना ही प्रलय। तो फिर भक्त शिरोमणि आंजनेय हनुमान आ रहे हैं। आगे प्रवेश वर्जित है। प्रणाम करता हूं अष्ट शिरोमणि, मैं केसरी पुत्र हनुमान हूं, रघुकुल तिलक प्रभु श्री राम का एक तुच्छ दास हूं। आप कोई भी हो, यहां किस प्रयोजन से आए हैं? मुझे मेरे स्वामी ने बुलाया है। तो यहां क्यों आए हो? क्या जानते नहीं ये यदुकुल पालक श्री कृष्ण का राज प्रसाद है? होगा, मेरे प्रभु ने यही आदेश दिया है। व्यर्थ की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, चलिए जाइए यहां से। स्वामी की आज्ञा का पालन किए बिना भक्त की कहां गति। मुझे भीतर जाना ही होगा। मुझसे हट, अब देखिए मेरा उग्र रूप। होइए सोही जो राम रची राखा। बली हनुमान के लिए अब मुझे राम रूप धारण करना होगा।
राम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नर्निन्यं जाने नैव जाने न जाने लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः नाथ, मैं निरंतर आपकी वंदना करता हूं, आपके चरणों का ध्यान करता हूं, पर आज आपके साक्षात शुद्ध चरण कमल से, तुलसी की सुगंध से दास का हृदय तृप्त हो गया प्रभु। इतने वर्षों पश्चात तुम्हें देखकर मेरा हृदय भी गदगद हो गया प्रिय हनुमान। मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? वत्स हनुमान, मुझे यहां द्वारका में देखकर तुम्हारे चित्त में कोई जिज्ञासा तो नहीं उठ रही? Thank you.
या कोई और भी बात यदि मन को व्यथित कर रही हो तो संकोच ना करो, पूछ लो। प्रभु, आप संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी हैं, आप तीनों लोक में हैं, तीनों कालों में हैं, सभी समय सभी स्थान पे उपस्थित रहते हैं। आपके कहीं भी होने में आश्चर्य कैसा। पर माता सीता कहीं दिखाई नहीं दे रही। और ये आपके समीप ये सेविका कौन है? माता सीता, पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारी रघुपति भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। तुम्हारी रघुपति भक्ति निरंतर बढ़ती रहे बस। अस्त्र को आपने अपने मुख में स्थान दे दिया। ये मित्रता कब हुई प्रिय हनुमान? इनसे वाद विवाद करने में आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती प्रभु, इसलिए मैंने सोचा अपने मुख में ही स्थान दे दूं।
अंजनी नंदन, मेरे समीप इतनी स्त्रियां देखकर भी तुम्हें विस्मय हो रहा होगा। हो तो रहा है प्रभु। कौन है ये माताएं? तुम्हें स्मरण होगा कपीवर, त्रेता युग में अनुजों और सेना सहित मैंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। तब से अब तक लाखों वर्षों से तुम निरंतर मेरे नाम का जाप कर रहे हो और कदाचित तुम्हें भी बोध है वत्स कि वर्तमान द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण रूप में इस पृथ्वी पर फिर से अवतार ले चुका हूं। कदाचित तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि इस अवतार में मैं 16108 रानियों का स्वामी हूं। यहां उपस्थित ये सारी स्त्रियां मेरी विवाहिता हैं। तुम तो सदैव मेरे हृदय में वास करते हो प्रियवर, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, मैं समदर्शी हूं, सबके साथ समान भाव रखता हूं। केवल तुम जैसे भक्तों पर मेरी विशेष कृपा रहती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं हनुमान। मांगो, वर मांगो। नाथ, यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो मेरे हृदय में सदैव बसने वाले सीतापति, धनुष बाणी प्रभु श्री राम के रूप में मुझे पूर्ण दर्शन दीजिए। प्रिय,
मुझे कोई नहीं अनुमान। मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। देखो हनुमान, अगले कल्प में तुम्हें ब्रह्मा जी का दायित्व धारण करके इस सृष्टि की रचना करनी होगी। करोगे ना? जैसी प्रभु की आज्ञा। सुदर्शन, अभी यहाँ पर परमवीर हनुमान आने वाले हैं, सावधान रहना, भूलकर भी उनसे उलझना मत, नहीं तो। शिराज, वो तो आकर चले भी गए। आकर चले गए? बल ही नहीं, गति में भी वो मुझसे बढ़कर हैं, और मारक क्षमता में मुझसे भी बढ़कर। मित्र वैंते, मैं क्षमा चाहता हूँ। आज मैंने व्यर्थ ही आपके आगे अहंकार किया। नहीं नहीं अस्त्र शिरोमणि, भूल मेरी थी, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं सब समझ गई ना। क्या समझ गई प्रिय? यही कि आपने ये सारी लीला मेरा गर्व भंग करने के लिए खेली। रानी सत्यभामा, आपके साथ अस्त्र शिरोमणि सुदर्शन का भी गर्व भंग हो गया है, और पक्षीराज गरुड़ का भी। मुझे अपने रूप का अभिमान हो गया था स्वामी। मैं ये भी भूल बैठी कि आप कभी किसी पर आसक्त नहीं होते, मात्र लीला करते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ। जहां अहंकार होता है वहां प्रेम नहीं रहता। अहम के जाते ही भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। भक्त स्वयं भगवत रूप हो जाता है। ये है प्रेम की शक्ति। जानती हो सबसे बड़ा प्रेमी कौन है? कौन नाथ? पवन पुत्र हनुमान। स्वामी,
आपने महाबली हनुमान से यह क्यों कहा कि मैं तुम्हारा सदैव ऋणी रहूंगा? भक्त तो भगवान के जन्म जन्मांतर से ऋणी थे और सदैव रहेंगे, परंतु भगवान भक्त का ऋणी हो, यह तो महान आश्चर्य का विषय है। कारण ही कुछ ऐसा है कि मैं ऋणी हूं और सदैव रहूंगा। तो बताइए ना प्रभु। बताओ। जी बताइए। तो सुनो, वीर हनुमान ने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। आपके प्राणों की रक्षा? मेरी ही नहीं, शेषा अवतार लक्ष्मण की और 64 करोड़ वानरों की भी जीवन रक्षा की थी। ये लंका युद्ध की बात, हमारी सेना के अद्भुत पराक्रम से राक्षस सेना त्राही त्राही करने लगी, तो रावण ने अपने मायावी पुत्र मेघनाथ को युद्ध भूमि में भेजा। ये मेघनाथ बड़ा ही कुशल योद्धा था। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हमारी संपूर्ण सेना को मरणासन कर दिया। मैं अर्थात दशरथ नंदन राम, शेषावतार लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव सहित सारे योद्धा सबके सब मूर्छित होकर मृत्यु के मुख में जाने लगे। तब बुद्धिमान जामवान ने संकट मोचन हनुमान को बुलाया। दात, आप ठीक तो हैं? मान, संपूर्ण सेना की दशा देखो पुत्र, सबके प्राण मंद हो रहे हैं। हाँ दात, सूर्य की प्रथम किरणों के साथ ही ये सभी सैनिकों के प्राण पखेरु हो जाए। अब केवल तुम ही हम सबकी प्राण रक्षा कर सकते हो हनुमान, किसी दूसरे में ये योग्यता नहीं है। श्री राम भी इस घड़ी में तुम्हारे पराक्रम के आश्रय हैं। और मेरा पराक्रम मेरे प्रभु श्री राम के आश्रय। मैं जानता हूं पुत्र, तुम्हें बहुत दूर हिमालय जाना होगा और ब्रह्मास्त्र के उपचार के लिए औषधियां लानी होंगी पुत्र। हिमालय? हिमालय तो यहाँ से सहस्रों योजन की दूरी पर है। चकित न हो राक्षस राज, विलक्षण हनुमान पवन पुत्र और पूरी तरह सक्षम, उनके लिए ना तो कोई कार्य दुष्कर और ना ही कोई स्थान दुर्गम। आप औषधियां बताइए तात। उनके नाम ध्यान से सुनो पुत्र। मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संघानी। ये हिमालय पर कहाँ प्राप्त होंगी दात? ऋषभ नामक सुवर्णमय शिखर और शंकर जी के निवास कैलाश के बीच द्रोण नामक एक पर्वत है पुत्र, जो अपने प्रकाश से अलग ही दिखाई देता है। उसी पर्वत पर ये चारों औषधियाँ मिलेंगी, जो अपनी विशेष आभा से चमकती रहती है। मुझे आज्ञा दीजिए तात। सफल होकर लौटो पुत्र। ध्यान रहे, सूर्योदय के पूर्व ही। मैं अभी औषधियां लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। जय श्री राम। सूर्योदय के पूर्व द्रोण पर्वत से औषधियां लाना अति दुष्कर ही नहीं असंभव। वानर सेना के सारे योद्धा
मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र से आहत होकर मरणासन पड़े हुए हैं। ये अति दुष्कर कार करेगा, कौन करेगा? इस असंभव कार्य को करने का संकल्प हनुमान ने ले लिया। किसने? उसी हनुमान ने जिसने हमारी सुनहरी लंका को अपनी पूंछ से जलाकर काला कर दिया। उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं हुआ? नहीं, हमारे गुप्तचरों का कहना है कि वो वैसे ही स्वस्थ और प्रसन्न अवस्था में है जैसे वो पूंछ में आग लगाते समय दिख रहा था। ये कैसे संभव हो सकता है? ब्रह्मास्त्र के आगे इंद्र क्या मुझे भी झुकना पड़ता है? वो जटाधारी राम भी तो ब्रह्मास्त्र के आगे विवश होकर अचेत पड़ा हुआ है। ये वानर कैसे प्रभाव मुक्त रह सकता है? यही तो घोर आश्चर्य है। तो क्या वो वानर तथा कथित रम रम ना और मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है? आपकी बात तो मैं नहीं जानता। जहां तक उन दोनों का संबंध है तो हनुमान स्वयं को श्री राम का तुच्छ दास बताता है। केवल राम, केवल राम। अरे कोई मेरी शक्ति को कम करके आंकने की भूल ना करे। मेरे पराक्रम से इंद्र भी हर हर कांपता है। ग्रह नक्षत्रों को मैं अपनी इच्छा से जहां चाहे अपनी इच्छा से घुमाता हूं। मेरे अतिरिक्त वो कौन है जिसने महादेव शिव शंकर के निवास कैलाश को हिला कर रख दिया हो? मेरे अतिरिक्त है कोई ऐसा तपस्वी जिसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की हो और हर 1,000 वर्ष अपने एक एक शीश को स्वयं काट कर अर्पित कर दिया हो? यक्ष, किन्नर, नाग, गरुड़, देव, दानव कोई मुझे नहीं मार सकता। इन मनुष्य और वानरों को तो मैं कीट पतंगों की तरह मसल डालूंगा। मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। मैं अमर हूं, अजय हूं। मैं बुद्धि में भी सबसे श्रेष्ठ हूं। मेरे 10 शीश इस बात का प्रमाण है। मैं बल में भी सबसे श्रेष्ठ हूं। मेरी 20 भुजाएं इस बात का प्रमाण है। इतना ही नहीं, मैं छल में भी सबसे श्रेष्ठ हूं। ना ना श्री, जहां बल और बुद्धि परास्त हो जाते हैं वहां मैं छल से विजय हो जाता हूं।
काल ने में मेरा ये कार्य काल ने में करेगा। कालनेमी बड़ा ही मायावी था। अपनी माया के बल पर वो धरती, आकाश और पाताल में भी जा सकता था। उसके पास एक ऐसी सिद्धि थी जिसकी सहायता से वो मन की गति से तीनों लोकों में कहीं भी चला जाता था। काल मैंने तुम आ गए। ये विनोद का समय नहीं है काल मैंने। ये विनोद का समय नहीं है काल नेमी। मेरे धैर्य की परीक्षा मत ले काल नेमी। काल नेमी मेरी धैर्य की परीक्षा मत ले। दशानन को रुष्ट करने का परिणाम जानता है? लंकेश, छल, कपट, ये तो कालनेमी के अंग रक्षक हैं। लंकेश, छल, कपट, कला, विग्रह, दुराचार, मिथ्याचार, माया, मोहन, वशीकरण, कुछ भी करके कोई भी युक्ति से उस वानर का अंत कर। वानर? कौन वानर लंकेश? वही जो मेरे गले का कंटक बना हुआ है। हनुमान, ये किसका नाम ले दिया आपने लंकेश? हनुमान तो दुर्जय है, उससे पार पाना दुस्साध्य है। यदि तुमने ये कार्य कर दिया और हनुमान नामक कंटक निकाल दिया तो ये दशानन का वचन है कि तुम्हें लंका सहित पृथ्वी का आधा राज्य दे दिया जाएगा। क्या? नहीं नहीं, हनुमान यदि तुमने ये कार्य ना किया
तो ये भी दशानन का वचन है कि तुम्हारी जीवन लीला का अंत इसी क्षण कर दिया जाएगा। और मेरा कार्य करेगा कि नहीं तो मैं हनुमान के प्राण भले ही न ले पाऊं किंतु इतना अवश्य सुनिश्चित कर सकता हूं सूर्य उदय से पहले रणभूमि में न पहुंच सके। दुबा सुस का वध सुनिश्चित कर। लंकेश, जो कुछ संभव हो सकता है मैं वही बता रहा हूं। जा, वध कर दो उस हनुमान का। आपका कार्य पूर्ण हो गया समझिए। विकट तब हनुमत किए सब जोग प्रगट। पड़े राम पर जब संकट तब हनुमत किए सब जोग प्रगट। निरंतर करते राम का ध्यान चले बचाने श्री राम के नाम। पवन वेग से गमन गगन में श्री राम नाम को तारे आना आना संजीवनी लाना हनुमत को है काल हराना। काल ने मी से पार भी पाना हनुमत को है काल हराना। काल निमी आंजने हनुमान की हत्या का प्रबंध करने के लिए वो एक पल में ही पाताल जा पहुंचा। मित्र दंत कंठक प्रकट हो मित्र। मित्र, तुम्हारे अपने मित्र काल नेमी की सहायता करने का क्षण आ गया है मित्र। Thank you.
अपने मित्र की कार्य सिद्धि के लिए अपना काल कूट विष प्रकट करो मित्र। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। लंका से पृथ्वी का आधा राज्य। हनुमान, कालकूट विष लेने के पश्चात कालनेमी एक पल में ही द्रोण पर्वत पर जा पहुंचा और एक तपस्वी का रूप धरकर शिला पर बैठ वो पाखंडी भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करने लगा। शिवम शिवाय, वंदे शंभु गुरुवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं केसरी पुत्र हनुमान प्रभु श्री राम का तुच्छ दास हूं। कल्याण हो वत्स, यहां किस उद्देश्य से आए हो? यहां तो साधकों और तपस्वियों के अतिरिक्त और कोई नहीं आता। मैं यहां पर संजीवनी आदि चार दिव्य औषधियां लेने आया हूं, किंतु मुझे जो लक्षण दिए गए थे यहां पर तो सारी औषधियां वैसी ही प्रतीत हो रही हैं। आपकी सहायता का आकांक्षी हूं, किंतु हमारी अंतर्दृष्टि कहती है कि आप बहुत दूर से आए हैं, इसलिए आपको विश्राम और जलपान की आवश्यकता है। ये लीजिए। क्षमा करें मुनिवर, राम कार्य के मध्य में मुझे नहीं विश्राम। ठीक, विश्राम नहीं करना चाहते ना करो, किंतु ये शीतल जल तो ग्रहण कर लो। नहीं, जल पीने का भी समय नहीं है। ये कोई साधारण जल नहीं है वत्स, इसे आप धन्वंतरी के अमृत कलश का एक अंश ही समझो। इसे ग्रहण करते ही आपकी देह में ऊर्जा और
उत्साह का संचार हो जाएगा। नहीं मुनिवर, राम कार्य करते हुए मैं निरंतर उत्साही बना रहता हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप औषधियों का निर्णय करने में मेरी सहायता करें। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। हम आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत हैं। चलिए। क्या हुआ मुनिवर? किंतु एक समस्या है। ये दिव्य औषधियां शुद्ध होकर ही प्राप्त हो सकती हैं। अशुद्ध होने पर ये अदृश्य हो जाती हैं। और वत्स, आप तो इतनी लंबी यात्रा करके आए हो। फिर? एक उपाय है, यदि स्वीकार हो तो बताऊं? बताइए मुनिवर। यहां नीचे एक सरोवर है, यदि आप उस सरोवर में स्नान करके आएंगे तो ये दिव्य औषधियां स्वयं को आपके सम्मुख प्रकट कर देंगी। जो आज्ञा मुनिवर। रुको, स्नान करते समय अपने नेत्र बंद रखिएगा। वो क्यों मुनिवर? इसके पीछे एक लंबी कथा है। यदि आपके पास समय है तो सुनाता हूं। नहीं नहीं मुनिवर, मैं नेत्र नहीं खोलूंगा। आज्ञा दीजिए। हनुमान जैसे बुद्धिशाली कालनेमी के छल में कैसे आ गए? जब भी कोई कपटी साधु का वेश धारण कर लेता है तो सरल हृदय लोग कुछ देर के लिए उसके छल से बाधित हो ही जाते हैं। परंतु जैसे ही कपटी का आचार उजागर होता है, छल कपट की सारी माया विलुप्त हो जाती है और सत्य सामने आ जाता है, जैसा हनुमान के साथ हुआ।
आपका कल्याण हो कपीवर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आप कौन हैं देवी? मेरा नाम धन्यमाली है, मैं स्वर्ग की अप्सरा थी, किंतु प्रजापति दक्ष के शापवश मकर योनि को प्राप्त हो गई और युगों से इस सरोवर में वास कर आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी, और आज आपके शुभ हाथों से मेरी मुक्ति हो गई। ये सब मेरे प्रभु श्री राम का प्रताप है, इसमें मेरा किंचित भी श्रेय नहीं। पवन पुत्र, आप उस तपस्वी से सावधान रहिएगा जिसने आपको यहाँ स्नान करने के लिए भेजा था। क्यों? क्योंकि वह तपस्वी नहीं, रावण का भेजा हुआ एक पाखंडी राक्षस है जो आपका वध करने के लिए मुनि का वेश बनाकर कपट पूर्वक यहाँ बैठ गया। एक बात और कपीवर, आप उसके कमंडल के जल से सावधान रहिएगा, उसमें अति भयंकर कालकूट विष भरा हुआ है। हो रही है अभी। चलिए, औषधियों के लिए जाने से पूर्व आपको एक मंत्र देते हैं। ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। अब आप मंत्र देंगे गुरुदेव? अति उत्तम, तब तो मेरा भी गुरु दक्षिणा देने का दायित्व हो जाएगा। किंतु वत्स, गुरु दक्षिणा का विधान तो दीक्षा पूर्ण होने के पश्चात का होता है। किंतु विशेष आपके लिए मैं गुरु मंत्र से पूर्व ही गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं गुरुदेव। भागते कहाँ हैं गुरुदेव, अमृत कलश से अमृत पान तो करते जाइए। बोल, कौन है तू, क्या नाम है तेरा? काल। और मैं तेरा काल हूं कालनेमी। जय श्री राम।
जिन चार दिव्य औषधियों से हम सबकी जीवन रक्षा होने वाली थी, वो सब दिव्य औषधियां किसी प्राणी के पास आते ही अदृश्य हो जाती थीं। बजरंग बली हनुमान के पास जाते ही वो अदृश्य होने लगी। हनुमान विचित्र पहेली में फंस गए थे। रात्रि बीतने में मात्र आधा प्रहर शेष था। बुद्धिमानों में अग्रगण्य हनुमान को कोई उपाय न सूझता था। हे औषधियों, कृपा करके मेरे समक्ष प्रकट हो जाइए। श्री राम के कार्य के लिए आपकी आवश्यकता है। तो क्या औषधियों ने अपने को प्रकट कर दिया? तो फिर हनुमान ने क्या किया? उन्होंने जो लीला की वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर उनकी पहचान बन गई। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान जिस विनम्रता से यहाँ उपस्थित हुए थे, उसे देखकर कौन ये मानेगा कि वो आपके प्राण रक्षक बने? केसरी नंदन, हनुमान का यही विनीत भाव उन्हें महानता के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित किए हुए है। इसलिए तो प्रिय हनुमान की हर कथा में उनके अतुलित बल, बुद्धि, तेज, प्रताप का वर्णन मिलता है। हाँ, मैंने भी प्रभु भक्त हनुमान के कई प्रसंग सुने हैं, किंतु आपके श्रीमुख से हनुमान कथा सुनने का आनंद तो अमृत तुल्य है। हाँ प्रभु, सुनाइए ना। आप सब संकट मोचन महाबली हनुमान की अद्भुत जीवन लीला सुनने के लिए कितनी उत्सुक हैं? ये देखकर मुझे बड़ा ही सुख मिल रहा है। और अब मैं आपको सुनाऊंगा मेरे प्रिय हनुमान के जन्म और बाल्यकाल से लेकर आज तक की सुनी अनसुनी सारी कथा।